ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਜਮਾਲ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੈ ਜਮਾਲ ਹਾਕੀ ਭਈਆ सामान बांध रहे हैं कहीं जा रहे हैं क्या ओए गुड़बैन दी लालटेन जाना किथे है ओ वहीं जा रहे हैं जहां से आए थे मुंबई ओ ले ओ चंगा हुआ तू आ गई ओ पैकिंग शैकिंग में तरह मेरी मदद कर ओ राजू के कपड़े पड़े हैं ना वो बैग में फिट कर दे एकदम तो क्या साहब जी भी जा रहे हैं ओ जा रहे ने 100% जा रहे ने ओ इकट्ठे आए सी इकट्ठे जाएंगे ओ देख ढंग नाल पैक करी कोई चीज छूट ना जाए काम से जा रहे शायद ओए काम की है कब के वास्ते तो इधर आए थे काम खत्म हो गया और बैक टू पवेलियन इसका मतलब हमेशा के लिए जा रहे हैं ओए जा तो हमेशा के लिए रहे हैं पर ये लोकेशन है ना सानू बहुत बढ़िया लगी है ओ घूमने शूमने आए करेंगे कभी कभार ओए तू तो उदास हो गई गुड़बैन दी लालटेन हमारे जाने का तेरे को दुख हो रहा है ओए मालूम है मेरे को भाई बनाया है तो सोच रही होगी जब तेरी शादी शुदी होगी तो तेरी डोली को कंधा कौन देगा और तू घबरा नहीं ऐ तेरा भाई तेरा वीर हैप्पी सिंह है ना सात समंदर पार भी होएगा ना तो तेरी शादी में आएगा नाचेगा पगड़ा पाएगा और देखना तेरी डोली को पहला कंधा भी देगा पगली तू रो रही है जी की तरह है जैसे हम उन्हें जाने से नहीं रोक सकते वैसे हम इन्हें आने से नहीं रोक सकते पर की कह रही है तू आप हमारी डोली को कंधा देना चाहते थे ना हैप्पी भैया लेकिन जिनके साथ हम डोली में बैठकर जाना चाहते हैं
देखिए अंकल, यहां खर्च किए जा रहे हैं आपके पैसे। जब ये आपकी दी हुई शर्त पूरी नहीं कर सका तो इसने इस तरह आपकी नाक काटी है। नहीं बाबूजी, ये सच नहीं है। हमको तो पता भी नहीं था कि हमारी शादी चीनी के साथ हो रही है। हम आपकी शर्तों पर खड़े नहीं उतरे तो हमने चीनी से मना कर दिया था। मैं उस शर्त का तकाजा करने के लिए तेरे पास नहीं आया हूं, बल्कि उन 5 करोड़ रुपयों के लिए आया हूं जो मेरी पागल बेटी तेरे लिए लेकर आई। 5 करोड़? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? चीनी तुमने हमसे? पापा ये क्या? खामोश मत कहो पापा। मेरे 20 साल के प्यार पर इस कमीने की 20 दिन की मोहब्बत भारी पड़ गई। इसे पूछ कि प्यार का फलसफा जानता है? नहीं, ये सब पैसे की अहमियत जानता है। बाबूजी, 1 करोड़ की शर्त की चोट देकर दिल नहीं भरा तो 5 करोड़ के गबन की गाली देने आगे? अंकल ये ऐसे नहीं मानेगा। 5 करोड़ का गबन किसने किया? बोल नहीं तो जान से मार डालेंगे। मैं मुझे माफ कर दो। दुख नहीं था, मगर आप पैसों वालों के बीच आकर हम बहुत शर्मिंदा हुए।